हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। आज आप लोगों को टॉप 20 इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा इंजेक्शन का क्या नाम है और इंजेक्शन का क्या काम है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर मेडिकल से ही रिलेटेड हर एक नई नई जानकारी आपको मिलता रहता है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमेशा आप लोगों को वीडियो सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिलता रहेगा। स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये सुन लीजिए कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन देखिए इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एट्रोपिन इंजेक्शन का क्या काम होता है, वो सारी बात आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों एट्रोपिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेडीकार्डिया में। ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट जब क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। हार्ट बीट जब वो लो हो जाता है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो हार्ट बीट होता है अगर ये लो हो जाएगा तो उसे हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ जाता है तो हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया कहेंगे। समझ गए आप लोग, तो ये होता है ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। देखिए ब्रेडीकार्डिया में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब क्या होता है, हार्ट बीट लो हो जाता है। समझ गए आप लोग, तो ये होता है, या फिर म्यूकस का सेक्रेशन लो हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तब उस केसेस में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को सेप्टिक शॉक हो गया है, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है, या फिर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डोपार के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाना है, तो इसको लगाया जाता है आईवी। क्या लगाया जाता है, आईवी। तो इसको आईवी लगाया जाता है। अगर आप लोग इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंजेक्शन के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इंजेक्शन में किस रूट से लगाना है वो हमेशा ध्यान में रखना है, और उसका एक्सपायरी डेट हमेशा याद में रखना है। रूट की अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए किसी भी इंजेक्शन के ऊपर लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईएम, तो वहाँ पर केवल आईएम ही लगाना है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर। ये मत आप लोग करिएगा कि उसको हम लोग नस में लगा देते हैं जिससे बहुत तेज़ी से वो अपना असर दिखाने लगे ब्लड में जा करके, तो ये काम मत करिएगा। अगर आईएम लिखा गया है तो उसको नस में ही लगाइए, और अगर जहाँ पर आईवी लिखा गया है तो उसको केवल और केवल इंट्रावेनस ही लगाना है, मतलब उसको नस में ही लगाना है। अगर आईएम लिखा है तो उसको मांस में ही लगाना है, और आईवी लिखा गया है तो उसको नस में ही लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है बोथ आईवी एंड आईएम, तो आप लोग उसको नस में भी लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं इंजेक्शन, उसको ज़्यादातर मांस में लगाया जाता है, लेकिन नस में ज़्यादा लगाया जाता है। नस में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि नस में इसलिए लगाया जाता है जिससे ब्लड हमारा, जिससे जो मेडिसिन होता है, जो इंजेक्शन होता है, उसमें का सब ड्रग हमारे ब्लड में चला जाए तुरंत, और ब्लड में ही जाते तुरंत अपना एक्शन शो करने लगेगा। इसीलिए जो आईएम और आईवी दोनों में से कोई लगा सकते हैं तो उसको ज़्यादातर आईवी ही लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ बातों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को ये सारा काम करना है, तो इसीलिए ये सारी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो डोपामिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, डोपामिन सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी इंजेक्शन लेंगे आप, इसमें क्या क्या लिखा गया है वो एक मिनट में ही बता देंगे कि इस इंजेक्शन का जो कंपोजिशन है वो है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि डोपार के नाम से जाना जाता है। ये 5 ml का होता है और इसको आईवी लगाया जाएगा। ठीक, यूएसपी लिखा गया है, इनका क्या मतलब है, इनका सिंपल मतलब यही है कि ये इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, बस। अब इसमें कोई चीज़ ऐसा रह गया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ बता दिए हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग।
तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है उसका नाम है एविल इंजेक्शन। अब देखिए एविल इंजेक्शन और एविल का मेडिसिन भी आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है। तो देखिए जो एविल होता है इनका काम क्या होता है, एविल इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है या फिर किसी को ईचिंग हो रहा है, हिंदी में जिसे बोलते हैं खुजली हो रहा है, या फिर स्किन के ऊपर रेड स्पॉट, लाल लाल कलर के चकुत्ते टाइप के बन गए हैं, रेड स्पॉट जिसे बोला जाता है, या फिर स्किन पर रेजेज हो गए हैं, या फिर मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है, तब हम लोग इस केसेस में एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, एविल का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाएगा कि बुखार में एविल लगा दिया जाए, जुखाम में एविल लगा दिया जाए, बॉडी पेन हो रहा है तो एविल लगा दिया जाए, शरीर में दर्द हो रहा है तो एविल लगा दिया जाए। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग अगर किसी को एलर्जी हो गया है तब करते हैं, या फिर ईचिंग हो रहा है तब करते हैं, या फिर स्किन में रेड स्पॉट हो गया है तब करते हैं, या फिर स्किन में रेजेज हो गया है तब करते हैं, या फिर मधुमक्खी ने काट लिया है, बीज बाइट कर लिया है, तब हम लोग एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप लोग, एकदम आसान भाषा में देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ हिंदी में, इससे बेनिफिट आप लोगों को जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं उन्हें भी मिलेगा, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं उन्हें शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो ये भी बातें हो गया। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो हैवी ब्लड को स्टॉप करने के लिए हम लोग ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी को एक्सीडेंट हो गया है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड कितना ज़्यादा बहने लगता है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है तो उस केसेस में हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ट्रेनेक्सा जिसका साल्ट नेम है ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल आईवी ही किया जाता है, मतलब इंट्रावेनस, इंट्रावेनस को बोलते हैं नस में लगाया जाने वाला इंजेक्शन, तो इस इंजेक्शन को नस में लगाया जाता है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा चीज़ रह गया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का नाम होता है, इसका साल्ट नेम होता है ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, ये हमारा होता है, इसको लगाया जाता है नस में। समझ गए आप लोग, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है, बस ये आप लोग जान लीजिए, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, जैसे कि स्टॉपिंग हैवी ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने के लिए, एक्सीडेंटल केस में जानते हैं कितना ज़्यादा ब्लड बह जाता है तो उस केसेस में भी लगाया जाता है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है तो उस केसेस में भी हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग, तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो अगला इंजेक्शन है दोस्तों वो है हिपेरिन इंजेक्शन। हिपेरिन इंजेक्शन जैसे मान लीजिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड जम जाता है, थक्का हो जाता है, तो उसको क्लाट करने के लिए एंटीकागुलेंट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हिपेरिन इंजेक्शन होता है। समझ गए इनका काम क्या होता है, ये एंटीकागुलेंट होते हैं, इसको लगाया जाता है आईवी, इंट्रावेनस इसको लगाया जाता है, नस में लगाते हैं, ये सही होता है। समझ गए आप लोग, बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा नहीं है ये कि ब्लड प्रेशर के लिए ये इंजेक्शन बनाया गया है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि थोड़ा बहुत फार्माकोपिया जो होता है दोस्तों ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी, और तीसरा जो होता है वो होता है यूएसपी। अगर किसी दवाओं के नेम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है, वहीं मान लीजिए किसी दवा के ऊपर बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, लेकिन मान लीजिए वहीं पर किसी दवा या फिर इंजेक्शन के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। और इस वीडियो में आप लोगों को ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल देखने को मिल गए हैं, देखने को मिला है, जैसे कि देखिए ब्रिटिश फार्माकोपिया का तो यहाँ पर मिल गया है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए पहले वाले में ही, हाँ यहाँ पर देखिए यूएसपी लिखा गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये है एट्रोपिन, जो स्टार्टिंग में ही बताए हैं। उसके बाद ये भी आप देख लीजिए जो दूसरा बताए हैं डोपामाइन, ये भी आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, ठीक। तो ये दोनों तो एग्जाम्पल मिल ही गए, फिर एक आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं क्या, एक और इंजेक्शन बताएं, हाँ ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ये अपना आईपी का होता है, मतलब ये इंजेक्शन
इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गया। और एक एग्जाम्पल देखिए, हिपेरिन इंजेक्शन जो कि एंटी कागुलेंट इंजेक्शन होता है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का होता है। तो आईपी, बीपी, यूएसपी, ये तीनों आप लोगों को देखने को मिल गया एक ही वीडियो में, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन होता है वो होता है जाइलोकेन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होता है जनरल एनेस्थेसिया में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जाइलोकेन इंजेक्शन जिसका साल्ट नेम होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, समझ गए आप लोग। ये होता है जाइलोकेन इंजेक्शन जो कि जनरल एनेस्थेसिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा, आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोग ये नहीं जान रहे हैं तो कुछ नहीं जान रहे हैं। एंटीबायोटिक को दो पार्ट में तोड़ लीजिए। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा काम करना। किसके उल्टा काम करना? बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। तो अगर मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तब हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन या फिर एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं चलिए उसको जान लेते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में होता है सेफ्ट्रिक्सजोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लाक्सासिन हो गया, नॉरफ्लाक्सासिन हो गया, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, समझ गए आप लोग। सेफ्ट्रिक्सजोन, एमाइकासिन, ओफ्लाक्सासिन, नॉरफ्लाक्सासिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, इमेज लगा दिया हूँ, एमाइकासिन हो गया और सेफ्ट्रिक्सजोन हो गया, ये दोनों के दोनों पहली बात तो इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, समझ गए आप लोग। ये इंजेक्शन जो होता है एमाइकास सेफ्ट्रिक्सजोन, इसको आईवी लगाया जाता है, इसको आईवी आईएम दोनों लगा सकते हैं, चाहे आईवी लगाएं चाहे आईएम लगाएं। देखिए जो रूट होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा भी बहुत पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है फॉर यूज ओनली आईएम और आईवी। तो आईवी का मतलब क्या होता है और आईएम का मतलब क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए कि आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस को हिंदी में बोलते हैं नस में लगाने वाला इंजेक्शन। और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब मांस में लगाने वाला इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये बातें भी हो गया। तो ये सारे के सारे होते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक इंजेक्शन। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, कुछ पेन किलर इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द को ठीक करने के लिए कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, ये जो इंजेक्शन बता रहा हूँ बहुत ही फेमस इंजेक्शन है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेन किलर इंजेक्शन में ज़्यादातर डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया। अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है प्लस अंदर से बुखार भी है, तो पीसीएम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पीसीएम मतलब पैरासीटामॉल, समझ रहे हैं आप लोग। तो पीसीएम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और पीसीएम का दो काम होता है, क्या क्या होता है, ये फीवर को भी ठीक करेगा प्लस पेन को भी ठीक करेगा, ये दो काम करता है। तो ये होता है पैरासीटामॉल इंजेक्शन। तो ये दोस्तों कुछ होता है पेन किलर इंजेक्शन, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, अगर अंदर से थोड़ा बहुत बुखार भी है तो पीसीएम इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है जो कि दर्द और बुखार दोनों को ठीक करने का काम करता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। मतलब क्या होता है, वोमिटिंग अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी जिसे बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, मतलब दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, पांच बार हो गया, तब हम लोग कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है तब हम लोग ओंडेंसेट्रान या फिर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप लोग। ओंडेंसेट्रान जो होता है वो एमेसेट के नाम से जाना जाता है, EMESET, धुंधला दिख रहा है ना इसीलिए स्पेलिंग भी बोल दिया हूँ। तो एमेसेट के नाम से ये जाना जाता है जिसका नाम होता है ओंडेंसेट्रान इंजेक्शन, समझ गए आप लोग। तो इनका काम क्या होता है, ये वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं, उल्टी को रोकने का काम करते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें हो गई। इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन को भी जान लेते हैं, कुछ एंटीपायरोटिक इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, मतलब जो बुखार के लिए इंजेक्शन होता है।
अब देखिए बुखार के लिए ज़्यादा कोई इंजेक्शन नहीं होता है, सिंपल रूप से एक जान लीजिए कि पैरासीटामॉल इंजेक्शन, जो कि रामबाण इंजेक्शन होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी को बुखार हो गया है बहुत ज़्यादा, तब हम लोग पैरासीटामॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टेबलेट भी आता है पैरासीटामॉल का, जो कि बच्चों के लिए सिरप आता है, बड़ों के लिए 500 mg, 650 mg, जैसा एज रहेगा उसी हिसाब से डोज को दिया जाता है। तो पैरासीटामॉल अगर बहुत ज़्यादा किसी को बुखार तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया है, तब हम लोग पैरासीटामॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको सीधा सीधा नस में लगाया जाता है, IV लगाया जाता है, जिससे ये दवा तुरंत अपना असर दिखाए नस में जाते। ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, गैस्ट्रेस्टिक्स इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। मतलब पेट में अगर गैस बन जाता है तब हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पेट में गैस बन जाता है तो इसके लिए पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन का टैबलेट भी आता है, और भी बहुत सारे गैस के दवा आते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे गैस की दवा दे दीजिए, तो बहुत सारी गैस की दवा मिल जाएगा आपको, एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इमरजेंसी केस है कि बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन गया है, प्लस दर्द भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तब हम लोग दोस्तों पेंटाप्राजोल या फिर रेनिटिडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये तुरंत अपना एक्शन दिखाता है और पेशेंट को तुरंत क्या मिल जाता है, थोड़ी ही देर के अंदर आराम मिल जाता है। ठीक, तो डॉक्टर पहले पेशेंट की हालत को देखते हैं तब इंजेक्शन को देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तब जब इमरजेंसी केस रहता है, तब हम लोग गैस में गैस के दवा के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन इमरजेंसी केस नहीं रहता है, कहते हैं पेट में गैस बन रहा है कोई दवा दे दीजिए, तब हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी केस है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन गया है, तब हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो इंजेक्शन है, अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तब हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तब हम लोग हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हायोसिन इंजेक्शन का बहुत काम होता है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है, ब्लैडर हो गया, IBS हो गया, यूरेटर में पेन हो रहा है, उस केसेस में हम लोग हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डोट्रावेरिन हो गया, तो इसको अगर किसी को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, या फिर किसी को किडनी में पथरी हो गया जिसे किडनी स्टोन पेन बोलते हैं, या फिर किसी को बाइलरी स्टोन हो गया है, तब उस केसेस में हम लोग ड्यूट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जो कि डोट्रीन के नाम से फेमस होता है, डोट्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनका साल्ट नेम होता है डोट्रावेरिन। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि है डायुरेटिक्स इंजेक्शन। डायुरेटिक्स इंजेक्शन क्या होता है? डायुरेटिक्स इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है, जैसे कि लैसिक्स इंजेक्शन। लैसिक्स इंजेक्शन का नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। तो इन इंजेक्शन का काम क्या होता है? फ्यूरोसमाइड जो इंजेक्शन होता है, या फिर कहें लैसिक्स इंजेक्शन जो होता है, इनका काम क्या होता है? ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए किसी का यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है, दिन भर में एक बार ही जा रहे हैं या फिर एक बार भी नहीं जा रहे हैं, तब उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग डायुरेटिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है लैसिक्स, या फिर कह सकते हैं इसको फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, समझ गए। तो चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है किसी को, तब कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तब इस्तेमाल किया जाता है डेरीफाइलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब हम लोग ये सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, ये हाँ हो गया है। अगला इंजेक्शन जो है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि हर प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये दिया जाता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, समझ गए। जिसका एक यहाँ पर इमेज लगा दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मल्टीविटामिन के बहुत सारे सिरप भी आते हैं जो कि बच्चों को दिया जाता है, समझ गए आप लोग। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है मेथिल कोब्लामिन इंजेक्शन। ये क्या होता है? मेथिल कोब्लामिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि विटामिन B12 बॉडी में बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हमारे बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो विटामिन B12 की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है मेथिल कोब्लामिन, या फिर सेल रिप्रोडक्शन
के भी ग्रोथ को बढ़ाता है, ब्लड फॉर्मेशन के भी ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोटीन हो गया, टिश्यू सिंथेसिस हो गया, ये सारी चीज़ों के ग्रोथ को ये बढ़ाने का काम करता है मिथिल कोबलामिन इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। इसी के साथ एक अगला इंजेक्शन है वो भी जान लेते हैं, जो कि है आयन सुक्रोज इंजेक्शन। आयन सुक्रोज इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर किसी को आयरन की कमी हो जाता है शरीर में, तब हम लोग आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग, जिसे हम लोग आयरन सुक्रोज इंजेक्शन बोलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज सोचे कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें। अब एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, अगर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप हमें ही कुछ बताना चाहते हैं तो कहाँ पर बताएंगे? अगर मान लीजिए आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप लोग सीधा और सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी। सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे तो आपको आपका चैनल मिल जाएगा सपोर्टिंग आप फार्मेसी का। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके अपनी बात हमें बता सकते हैं। अपनी बात क्यों बताएंगे? क्योंकि आप भी मेडिकल के छात्र हैं और आप भी कुछ नॉलेज हमें देना चाहते हैं कि और भी लोगों को मैं आपकी बातें भी बता सकूं, तो आप हमें बता सकते हैं, और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।